सब कह रहे हैं कि ये मूवी पुष्पा की कॉपी है और पता नहीं क्या गया इस मूवी में दूसरी मूवी से चुराया गया है, पर ये एक्चुअल में है क्या, चलिए जानते हैं इस ट्रेलर रिव्यू में। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेलर रिव्यू दसरा, जिसमें है हमारी नेचुरल स्टार नानी। तो सबसे पहले तो नानी की बात कर ली जाए थोड़ी सी, क्योंकि ये अवतार उनका मैं देख के एकदम मज़ा आ चुकी है। एकदम जो रफ एंड राउडी वाला देसी वाला अवतार है, शरद केलकर की जो डबिंग है वो भी उनके ऊपर सूट कर रही है, तो वो भी जो आवाज़ दे रहे हैं वो पूरे ट्रेलर की वाइब्स में सेट हो रही है, एक ट्रेलर में अलग ही लेवल का मज़ा दे रही है। और एक्टिंग की बात करें तो उनकी मैंने अभी रिसेंटली जर्सी मूवी देखी थी, उसी से मैं उनकी एक्टिंग का फ़ैन हो गया था, पर इसमें एक डिफरेंट और यूनिक टाइप की एक्टिंग देखने को मिल रही है और सच में एकदम फिनोमिनल लेवल की एक्टिंग है। अब चलिए कॉपी वाले मैटर पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी के भी ट्रेलर को देख के ये नहीं बता सकते कि वो पूरी मूवी कॉपी होने वाली है कि नहीं, आप इससे जज नहीं कर सकते, आपको पहले मूवी देखनी होगी। मे बी कैरेक्टर्स के लुक सेम है, नानी का लुक जो अल्लू अर्जुन से बहुत हद तक मैच कर रहा है और कीर्ति सुरेश का लुक जो रश्मिका मंदाना के लुक से एकदम मैच कर रहा है, पर अगर सिर्फ ऐसे ही डिक्लेयर कर लिया जाए बाहर के अपीयरेंसेस से कि ये कॉपी है, फिर तो अगर किसी मूवी में शिप को डुबा दिया जाएगा तो आप बोलोगे कि वो टाइटैनिक की कॉपी है, और फिर किसी भी मूवी में अगर मैजिकल स्कूल की बात कर लेंगे तो आप बोलोगे कि वो हैरी पॉटर की कॉपी है। यहाँ पे लोग ये नहीं जानते हैं कि इस मूवी के लिए ये कॉपी वर्ड सही यूज़ करना नहीं है, इसको हम एक्चुअली बोल सकते हैं इंस्पिरेशन। अगर कोई भी मूवी किसी दूसरी मूवी से इंस्पायर्ड होती है तो आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं, पर कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होता है कि प्लॉट डिफरेंट होगा और जो हम मूवी देखेंगे उसके बाद ही हमें रियलिटी जज कर पाएंगे कि मूवी कॉपी है या नहीं है। अब चलिए कुछ और पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, जैसे कि मूवी का एक्शन जो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल ब्लडी लग रहा है तो उसको देखने में भी मज़ा आ जाएगी। जो म्यूज़िक है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, वो भी इस एक्शन के लेवल को सूट कर रहा है। और इस चीज़ के बारे में मे बी मैं गलत हूँ, आप लोग करेक्ट करिएगा, पर जो मूवी का टाइटल है दसरा, वो वर्ड दशहरा से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है, तो हमें रावण को भी जलते हुए दिखाया है पीछे बैकग्राउंड में, तो मे बी कोई छोटा सा रेफरेंस या छोटा सा कनेक्शन हो सकता है रामायण से, मे बी हो सकता है मे बी नहीं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेलर ठीक ठीक लगा और ट्रेलर से मूवी के लिए कम से कम एक इंटरेस्ट जग चुका है। और देखा जाए तो ये मूवी आने वाली है 30 मार्च को थिएटर्स में। 30 मार्च को एक और मूवी आ रही है अजय देवगन की भोला। 31 मार्च को सारा अली खान की गैसलाइट आ रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। और अगर डंजन्स एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स की डेट सेम रहती है जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, तो वो भी 31 मार्च को ही देखने को मिल जाएगी। मतलब मार्च के आखिरी दो दिनों में हमें देखने को मिलने वाली हैं चार मूवीज़। तो आप बताइए, आप इन चारों मूवीज़ में कौन सी मूवी को जाने वाले हो? अगर आप एक से ज़्यादा मूवी को भी जाने वाले हो तब भी आप नीचे कॉमेंट्स में लिख के बता सकते हो। बाकी यही था दसरा का ट्रेलर रिव्यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।